गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एजुकेटर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि जॉब अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। तो यस, आज का जो सेशन है बहुत अच्छा होने वाला है। आज का सेशन ये है कि कैसे लाइव चैट एजेंट बन सकते हैं किसी कंपनी के साथ। तो यस, तो आज हम डिस्कस करेंगे दो चीजें अपने कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर ताकि आप एक लाइव चैट मेंबर बन सके, ठीक है। और दूसरी चीज, कहाँ पे आपको साइन अप करना है, रजिस्टर करना है ताकि आप कोलैबोरेट कर सके एज अ लाइव चैट मेंबर। तो यस, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो सबसे पहले जो क्वालिटीज होनी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप अब बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वर्थफुल है, ठीक है। आपसे इससे डिग्री विग्री कुछ नहीं मांगते ये लोग, बस अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए। ओवरऑल रिव्यू बता दूं मैं, ओके। जो क्वालिटीज होनी चाहिए, पहला होना चाहिए क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स आप तभी कर पाएंगे जब आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। 40 सेकंड्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना है लोगों के चैट्स का। यस गाइस, फिर होता है इफेक्टिव सपोर्ट। आपको अपनी तरफ से सपोर्ट शो करना होता है कस्टमर्स को। क्यों? क्योंकि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी दे देती है कि आप जो है कस्टमर सर्विस हैंडल करेंगे। तो कस्टमर का भी थोड़ा बहुत वो होता है कि यस यार अब मुझे मदद चाहिए, तब जाके वो आपके पास आते हैं, आपसे चीजें पूछते हैं, ओके। तो आपकी तरफ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए। इन्फ्लुएंस पीपल, आपको इन्फ्लुएंस कराना चाहिए लोगों को। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कभी कभार जो कस्टमर पूछता है और आपको उनको मनाना पड़ता है, उनका माइंड सेट थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभार हमें भी नहीं पता होता लाइव चैट में कैसे बोलना है, क्या मैसेज करें, क्योंकि हमें कंपनियां कभी कभार वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती जो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो आपको जो माइंड डाइवर्ट करना होता है ना लोगों का, वो भी स्किल्स आनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप लाइव चैट मेंबर है, ठीक है, तो आपको जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है बहुत अच्छी करनी होती है। क्यों? ताकि कस्टमर जो है वो खुश हो सके और आपकी जो ब्रांडिंग है वो बाहर भी कर सके, ठीक है। इसलिए हैंडलिंग स्किल्स, कभी कभी कस्टमर आपसे रूडली बात करता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको हैंडल करना होता है अपने इमोशंस, अपने स्किल्स को, वो सब हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। फिर शो एम्पैथी, एम्पैथी शो करनी होती है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक पर्सन है, बहुत बार मुझसे एक ही क्वेश्चन वो पूछ रहा है, मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही, अपनी बातों से उसका माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रही, तब मैं लिखूंगी सॉरी सर, प्लीज मैम, अंडरस्टैंड अस। तो ये सारे वर्ड्स जो है एम्पैथी के, सिंपैथी के वर्ड्स जो है आपको वो आने चाहिए, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे ये वर्ड्स। फिर है ऑफर अ फीडबैक। यस गाइस, आपको ऑफर करना होगा उनको फीडबैक का। कभी कभार आपने देखा होगा कि भाई साइट्स पे पांच सिंबल्स आ जाते हैं, स्माइली फेस, मिड फेस एंड सैड फेस आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, जो आपको शो करें, ओके। तो क्या होता है, ये फीडबैक भी शो करा होता है ताकि कस्टमर को भी लगे यस कि जो हम से बात कर रहे हैं एक लाइव चैटर, वो जो है वो अच्छा है, जेन्युइन है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं द बिजनेस। तो एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दू, इसका नाम है द चैट शॉप, ओके। इसका मेंबर बनना है आपको। अब इसका मेंबर आप कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस उसको फुल आउट कर। एप्लीकेशन में आपसे साइन अप मांगेगा, फोन नंबर वेरिफिकेशन होगा, मेल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, डिग्री की फोटो पूछे जाएंगे, बस। फिर आते हैं एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चंस। यस गाइस, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को हैंडल करेंगे अगर ये प्रॉब्लम्स हो गई। एक लाइव चैट मेंबर बनने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स होनी चाहिए, वो ये भी पूछता है, ओके। फिर पूछता है आपसे, पूछता है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस गाइस, आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स पूछता है वो कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपने कभी किसी को हैंडल करा है कस्टमर को कि नहीं किया, ये सब पूछता है। फिर टाइपिंग स्पीड, इसमें टाइपिंग स्पीड भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है वो मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करना होता है कस्टमर्स को, ओके। फिर होता है आपका गुड इंटरनेट,
आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है वो क्विक रिस्पॉन्स कर पाए किसी भी मेंबर का, ओके, किसी भी कस्टमर का। तो यहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है। ये तो था कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म पहले भर, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके पास आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। यस गाइस, आपका इंटरव्यू फोन पे लिया जाएगा जहाँ पे आपकी वो स्किल्स चेक करेंगे कि जो आपने स्किल्स लिखी है वो सही लिखी है, जेन्युइन लिखी है कि नहीं लिखी है, ओके। फिर उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन आता है, वो आता है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से, आपके साथ वीडियो चैट, मतलब या तो फेस टू फेस वीडियो आपके होगा उनके किसी स्टाफ मेंबर के साथ, अदरवाइज आपको मेल पे मैसेज वो लोग करेंगे, मैसेज पे आपसे बात करके वो लोग देखेंगे कि भाई आपको टाइपिंग स्किल्स या कितने देर में आप रिप्लाई कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स तो नहीं किसी स्पेलिंग में, या बहुत कुछ देखते हैं वो लोग, ओके। तो यस, ये साइट बहुत जेन्युइन है, बहुत सारे लोग इसमें मेंबर रह चुके हैं या है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देखे इस साइट पे, ओके, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनीथिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।